शाम का समय और गर्मा गर्म चाय, लेकिन इस चाय के लिए हमें कितने मुक्के और लात खाने पड़े वो यहाँ पे आप, वो यहाँ आपको दिखेंगे। चाय चिल्लम पार इधर है, सब जगह से दाएं बाएं चारों तरफ से ऊपर नीचे से ऐसे ऐसे हाथ आ रहे हैं चाय के लिए। दो कप तो हमारे उठा लिए किसी ने, फिर वापस घुसना पड़ा। हमारे मिस्टर विक्रांत और मिस्टर सचिन सालुंके हमारे कैमरा में, इनका हो चुका है चाय। अब मैं और मिंटू की बारी है, ये तो फटाफट लेते हैं और यहाँ से सीधा, ये थोड़ा एलिवेटेड प्लेटफॉर्म है तो यहाँ से व्यू मिलेगा नहीं, लेकिन पूरी भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हैं, फिर थोड़ा बहुत शॉपिंग करते हैं। यहाँ हमने ये सीक्रेट बैग्स लिए हुए हैं, तो जहाँ जहाँ ख़रीदी करेंगे वहाँ वहाँ देखते हैं क्या क्या स्पेशल मिलता है, तब तक ख़त्म करते हैं। शॉल आपने 250 का बोला ना, वो कौन सा, वो ब्राउन वाला और ब्लू वाला स्टॉल 250 का ही है, 5.5। ये है ना, ये सारा लगभग वो वाला 600 का था, अब ये मैं सारे 550 में ही लगा रहा हूँ, ये भी 550। तो फिलहाल की अभी जो शॉपिंग की हमने वो की है स्टॉल की और शॉल की, बजट हमारा थोड़ा सा डगमगाया लेकिन थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी लगाया हमने, सो कॉल्ड स्टूडेंट डिस्काउंट। नेक्स्ट टारगेट है मेरे को थोड़ी टोपी लेनी है और क्या लेना है, स्वेटर, और मिंटू को लेने हैं दो जैकेट और ये लिया मफलर, ले लिया, हाँ ले लिया सर। ये हमारी दुकान थी हिमालयन ट्रेजर, यहाँ से हमने लिया है लोकल मनाली मार्केट की गली में। यहाँ से बढ़ते हैं आगे, दो जो हमारे साथी हैं वो पहली जैकेट वाली दुकान में, अभी उनको कॉल करके देखते हैं किधर है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। फाइनल बोलो आप, 200 400। अरे कुछ तो कम करो आप, कम नहीं होते। अरे न्यू ईयर का डिस्काउंट मिल रहा है, आंटी थोड़ा दे दो, हम भी तो स्टूडेंट ही हैं, घर के लिए ले जा रहे हैं, मम्मी के लिए ले जा रहा हूँ, सॉरी भाभी के लिए ले जा रहा हूँ। 81 softy। तो अभी यहाँ काउंटर पे ले लेते हैं टोकन और सीधा आइसक्रीम मशीन की ओर। 81 दे दो, अच्छे से दे देना मिक्स करके, एक बार खाए तो बार बार खाने का मन करे, बार बार जो एक बार खा के जाएगा वो बार बार। हम और दोस्तों को लेके आते हैं, दो लोगों को लेके आओ, अच्छी बात। हाँ खाने आ जाओ। अबे यार भाई, अबे ये वो है, आ जाओ थोड़ा ओपन में आ जाते हैं। कैसी लग रही है आइसक्रीम तेरे को? बाकी अच्छी है, वर्थ है, और एक बार ले सकते हैं ना, मतलब नहीं ले सकते क्या? मेरे को तो अच्छी लग रही है, एक मैं घुमा देता हूँ, आप आइडेंटिफाई कर लो क्या क्या कलर है, तो मैं फटाफट ख़त्म करता हूँ और फिर आगे और बढ़ते हैं। यहाँ ढोलक बज रहा है और लोगों का नाच गाना चालू है, बहुत मज़ा आ रहा है, पूरा
पूरा एकदम कार्निवल जैसा फील। अभी हम ढूंढने जा रहे हैं सचिन और विक्रांत को, वो कह रहे हैं एक दुकान में सेल लगी है, तो जाके देखते हैं कितनी बड़ी सेल है और क्या है, अगर क्या कुछ लिया जा सकता है तो क्या क्या लिया जा सकता है, तो देखते हैं अभी मिलते हैं कि नहीं। ग्रेट सक्सेस, दो जैकेट लिए, तीन जैकेट लिए। कहाँ से लिए? ये दुकान से। ये दुकान ये फिक्स प्राइस है, कुछ चेंज नहीं है क्या? चलो सेल लगी है, MRP का बोर्ड है। जैकेट कैसे? तेरे को अच्छा मजा आया क्या? रुक देखते हैं फिर। तो अभी हम बैठे थे डिनर के लिए और सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। हमने यहाँ ऑर्डर दिया था कॉम्बो में पनीर राइस और पापड़ का, लेकिन जो ऑर्डर क्रिएट हो रहा है वो दो पनीर की सब्जी, दो राइस प्लेट और दो पापड़ हो रहे थे। हमने बीच में सॉफ्टी ली थी इसलिए अभी पेट में एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे। 18-1 वाली 40 की और A1 थी। हमने बोला था कि और दो लोगों को लेके जाएंगे, तो देखते हैं अगर मौका मिला तो इनको बोलेंगे वापस लेने के लिए। अकेले खा लेंगे वो तो ट्रिप में पता ही किसको लगा, भले ही रिकॉर्ड हमने किया नहीं, घर जाके लगे को। सचिन कितनी भूख लगी है अभी, लगी अभी मजा आ रहा है। गलती करते हैं पहले का जीत है। पता है सीक्रेट क्या है? क्या एक ग्रिल चैट में जो सचिन का आने वाला था, एक बंदा बाहर से बना एक पैक चाहिए तो जब डिलीवरी करने आया तो वो पैक करके लेके आया। उसके बाद हमने कहा कि हमें तो इधर ही खाना है, वही ग्रिल चैट पैक वाला अनपैक करके सचिन को लाया और अभी उसके मुंह से वापस वो उठ के पैक होने चला गया। हम इन तो तेरे पराठे दूसरे होटल से ऑर्डर करके आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि इस होटल एक होटल में ऑर्डर करो, वो बाकी जो आजू बाजू ढाबे हैं वहाँ से ऑर्डर करके कॉमन ऑर्डर इधर आ रहा है। बोल क्या? अच्छा हाय गाइस, अभी हम निकल रहे हैं। हाँ मनाली से। अरे थोड़ा जोर से। अरे लड़की नहीं देख रहे तू, लड़की नहीं बोल रही तेरे को, कुछ तो बता अपने बारे में। हाँ ना, वो बोले कौन है विक्रांत? अच्छा मेरा इंट्रो देना है क्या? हाँ नहीं, अभी तो खत्म होने को आ गई ट्रिप, अभी इंट्रो क्या? तो ठीक है, अभी हम निकल रहे हैं मनाली से, अभी हम रुकेंगे कुल्लू में, रुकेंगे ना अभी। हाँ कुल्लू में रुकेंगे, थोड़ी शॉपिंग करेंगे और फैक्ट्री आउटलेट में। हाँ। फिर दिल्ली से पुणे। यस बस पुणे से मोड़, पुणे से पुणे, पुणे से अपना घर का एड्रेस बता दे। हाँ अपने व्यूअर्स के लिए रिश्ता नंबर कोई होगा तो मत भेजिए। नहीं नहीं, अपना विक्रांत बहुत सादा बोला इंसान है। तो अभी यहाँ से कुल्लू का रास्ता है करीब 1.25 घंटे का, वहाँ से फैक्ट्री आउटलेट में शॉपिंग, उसके बाद फिर खाने के लिए कहीं रुकेंगे लंच के लिए और फिर दिल्ली तक का सफर देखते हैं कैसा रहता है।
चलो शॉल के फैक्ट्री आउटलेट में पहुंच चुके हैं, कुल्लू एरिया। अभी देखते हैं क्या खरीदना है क्या नहीं। ले लीजिए ले लीजिए, देख लीजिए एक बार। अरे नहीं नहीं ट्राई कर लीजिए। ठीक है सर। नहीं आप ट्राई कर लो एक बार, मतलब। अरे नहीं सर। आपके और हमारा साइज की एक ही है। हाँ हाँ आ रहा है यार, टाइट है। हाँ ना ठीक है। हाँ हाँ ठीक है ना। ठीक है सर। हो रहा है क्या? आप ऐसे हिल के देखिए एक बार। हाँ नहीं नहीं थोड़ा ऐसा लग गया। हाँ हो रहा है ना, सही लग रहा है। हाथ ऊपर लग रहा है। चलिए चलिए सर। तो जैसे कि हमने अभी फैक्ट्री आउटलेट ऊपर है जहाँ पे सब आइटम्स बिक्री के लिए है, और नीचे जो है यहाँ प्रोडक्शन होता है उनका। तो देखते हैं कैसे बनती है चीज़ें। अभी तो बंद है, बट अभी तो बंद है, लेकिन छोटा मोटा शायद काम चल रहा है। यहाँ देख कैसे आंटी जी, कौन सा फूल है ये? शिप फूल है। शिप फूल है। अब एक पूरा शॉल बनने को कितना दिन लग जाता है? ये डिजाइन पर डिपेंड होता है, 2 दिन 3 दिन 15 दिन 4 दिन 5 दिन। तो आपको कितने घंटे काम करना पड़ता है? हम करते हैं 10 से 4। नहीं अभी हमने ऊपर से सामान लिया है, सामान तो काफी अच्छा है। अच्छा है ना, घर वाले खुश हो जाएंगे अभी घर के लिए लिया है, मम्मी पापा के लिए। हम महाराष्ट्र से। हाँ ये क्या बना रहे हैं आप? अभी ये थोड़ा वीडियो दिखा रहे हैं, देखने को मिलता नहीं है हमारे यहाँ पे काम। देखो, क्योंकि हम भी ये ऐसे पहली बार ही देख रहे हैं। पहली बार देख। हाँ देखा आपने कितना बारीकी का काम है, हर एक थ्रेड में जो दूसरा डिजाइन डाल रहे हैं वो प्रॉपर काउंट लेके ही वो डाल रहे थे, तो मानना पड़ेगा। वैसे ही ये पूरा एक ऐसा व्यू है जहाँ पे सब वर्कर बैठे फिलहाल हम लोग, लेकिन मशीन सब हाथ से चलती हैं, ऑटोमेटेड कुछ भी नहीं। शॉपिंग डन, लेट्स गो अहेड। फाइनली दिल्ली एयरपोर्ट पे। विक्रांत भाई ख़त्म हो गई अपनी ट्रिप। हमें तो बहुत मज़ा आया, कुछ कुछ चीज़ें अनहोनी थी, कुछ कुछ चीज़ें होनी थी जो वेल प्लान्ड रही, कुछ कुछ अनप्लान्ड रही। ओवरऑल ट्रिप ज़बरदस्त रही, फ्रेंड्स के साथ मज़ा बहुत आया। तुमको भी घूम के शायद बहुत मज़ा आया होगा, अगर नहीं आया तो तुम खुद जाओ घूमने, हमारे वीडियो का रेफरेंस लो, निकालो बैग और हो क्या हो। जो जो ट्रिप प्लान कर रहा है उसको भी ये वीडियो भेज दीजिए। अब फ्लाइट का इंतज़ार करते हैं, शायद अभी बोर्डिंग कॉल हमारा होगा, यहाँ से डायरेक्ट हमारे घर। तो चलिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर।